ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारी ये ज्योतिष को समझने की यात्रा जो है बृहद है। मैं हमेशा अनेकों वीडियो में आपसे कह चुका हूँ, ज्योतिष की यदि संधि करें तो ज्योति धन ईश्वर, वह ज्योति जो हमें ईश्वर से मिलाती है। दोस्तों, ये वीडियोस की नई श्रृंखला हमने शुरू की है, इसोटेरिक सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लैनेट्स। दोस्तों, किसी की आलोचना निंदा नहीं करना चाहता हूं मैं, परंतु कन्वेंशनली एक हमारे ही हम कह सकते कि एस्ट्रोलॉजर समाज वाले मित्रों ने ग्रहों को बुरा कहना चालू कर दिया कि ये आपका काम राहु की वजह से बिगड़ रहा है, आपका ये जो है शनि की वजह से बिगड़ रहा है, आपका मंगल की वजह से जो है पाप प्रभाव कुंडली में है। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हर चीज जो है इस प्रकृति में संतुलित है। प्रकृति जो है संतुलन, प्रकृति का दूसरा नाम है। आवश्यकता है इन तथ्यों को समझने की, ये चीजें, ये तथ्य हमारे जीवन में कैसे कारगर साबित होते, कैसे कार्य करते हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। आज इसी श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं राहु ग्रह की। छाया ग्रह है राहु ग्रह, इसका कोई ठोस आकार नहीं होता, चंद्रमा की छाया है यह, और अनेकों भ्रांतियां हैं इसे लेके। इसका अगर हमको मूल स्वरूप समझना है राहु का, तो हमें समुद्र मंथन की उस कथा पर गौर करना होगा, जब असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध होता है, संग्राम होता है, और अंततः दोनों एक दूसरे के सहयोग से समुद्र का मंथन करते हैं और उसमें से अमृत का सृजन होता है। अब क्योंकि मंथन दोनों के सहयोग से हुआ है, असुर गणों और देवता गणों के सहयोग से हुआ है, तो उस पे अधिकार भी जो है दोनों का होना चाहिए। परंतु किसी तरह से जो है देवताओं ने उस अमृत को अकेला ही ग्रहण करने की कोशिश की, और जिस सांप, जो तक्षक वासुकी जो सांप था, जिसके मदद से जो मंथन हुआ था, वह सांप भी उस अमृत का मंथन ग्रहण करने अपना वेश बदल के उस देवताओं की मंडली में घुस गया। और श्री हरि विष्णु ने इस चीज को समझ लिया और अपने सुदर्शन चक्र द्वारा जो है उस पर प्रहार किया, सर जो है धड़ से अलग हो गया। अब जो सर का हिस्सा है वो राहु है, और जो पूंछ का हिस्सा है केतु है। इस कथा में ही सारा रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि उसने जबरदस्ती लीक से हटके, यू नो, ब्रेकिंग द बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्री, अपनी सीमा मर्यादा को लांग कर जो है अमृत का कलश, अमृत का मन ये पान करने की कोशिश की। तो मॉडर्न डे में आप उसको इसी चीज से जोड़ के देख सकते हैं। राहु इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग बैरियर्स। आज के प्रेजेंट डे में मास कम्युनिकेशन, यू नो, रीचिंग आउट टू मेनी, रीचिंग आउट टू लैक्स एंड क्रोर्स इज ओनली पॉसिबल थ्रू राहु। एनी चैलेंजिंग टास्क, एनी एंड्योरिंग टास्क रिक्वायर्स राहु। ज्योतिष में श्लोक है त्रिखष्ट एकादशे राहु सर्व विघ्न प्रशांते। तीसरे, छठे या ग्यारहवें भाव में कुंडली में आपके राहु यदि आ जाए तो सभी विघ्नों का शमन कर देता है, प्रशमन कर देता है। तीसरे भाव में राहु यदि आ जाए तो इंसान को बेहद पराक्रमी बनाता है, डेयरिंग वाला बनाता है, भुजाओं में बल देता है। छठे भाव में हो तो इंसान जो है शत्रु के पीछे काल बनकर हावी हो जाता है। लाभ भाव में यदि राहु हो तो इंसान को रातों रात मालामाल कर देता है। तो किसी चीज के ऊपर दोष आरोपण करना कि राहु की वजह से आपको नुकसान हो रहा है, ऐसे नहीं है। कुंभ राशि में शतभिषा नाम के नक्षत्र में राहु उच्च का माना जाता है, गोमेद रत्न जो है राहु का माना जाता है। आप जब भी कोई हिल स्टेशन या कोई, यू नो, फिजिकली एंड्योरिंग टास्क अंडरटेक करते, किसी हिल स्टेशन पे जाते, कोई पद यात्रा, बड़ी यात्रा के लिए जाते, तो उससे राहु आपका बलवान होता है। किसी जमादार वर्ग के
व्यक्ति को कुछ दान करने से, नारियल का दान करने से राहु जो है बलिष्ठ होता है। और राहु यदि बलिष्ठ हो गया तो आपको जीवन में जो है आपके वारे न्यारे कर सकता है। कलयुग में सबसे ज्यादा फल देने वाला ग्रह है राहु। ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देवी दुर्गा या 10 महाविद्याओं में से धूमावती मां का ध्यान करने से राहु मजबूत होता है। भैरव की उपासना करने से राहु मजबूत होता है। ये था राहु ग्रह के बारे में। यदि आप अपनी जन्मपत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेमस्टोन्स चाहते हैं, या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो संपर्क जरूर करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।